हेलो दगड़ियों, नमस्कार। अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल में मैं ब्यूरो बुरथवाल एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो दगड़ियों, आज की वीडियो बनाने का मेरा मूड तो नहीं था, लेकिन एक सूचना थी जो बतानी थी मैंने, कि एक छोटी सी लापरवाही मतलब आपको बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। जैसे कुछ ट्रीटमेंट वगैरह हो तो करा लेनी चाहिए, जैसा कि एक एग्जाम्पल आज हमारे साथ ही खुद हुआ। क्योंकि एक कील लगने से, अगर उसमें टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगाने के कारण आज स्थिति काफ़ी गंभीर हो चुकी है। तो टिटनेस जो ये लोहे से वगैरह कुदाल से जो भी घर में काम करते हैं, और जैसे कोई लोहे की चीज़ से खरोच वगैरह लग जाती है, तो टिटनेस ज़रूर लगाएं। अगर टिटनेस वगैरह न लगाएं तो एक टिटनेस नाम की बीमारी होती है जो धीरे धीरे पूरी बॉडी को अकड़ा देती है, और बिल्कुल मतलब न मुंह खुलता है उसमें, न कुछ पांव चलते हैं, तो काफ़ी गंभीर बीमारी है। और ये इसकी जो ये बीमारी है, इस चीज़ की जो दवाइयां हैं वो भी काफ़ी कम मिलती हैं। तो हम हल्द्वानी में थे, हल्द्वानी में होने के कारण भी हमें दवाइयां अच्छे से नहीं मिल पा रही थी। रुद्रपुर से हमें दवाइयां मंगानी पड़ी थी, सिर्फ एक डोज ही 2000 रुपये का एक डोज है, उसमें भी 5 IU का था, उसका नाम था टेट्रो। तो काफ़ी महंगी दवाइयां हैं इस चीज़ की। तो एक छोटी सी गलती के कारण इतना बड़ा नुकसान ना झेल पाए, ऐसा आप प्रयोग करें, मतलब ऐसा करें कि एक छोटी सी गलती ना करें, ताकि आपको भविष्य में उसका दुष्परिणाम ना भुगतना पड़े, जैसे आज हुआ। तो मेरा आज यही कहना है कि मतलब किसी भी चीज़ को ना छुपाएं, और बताएं अपने फैमिली वालों को, बताएं परेशानी होती हो तो सभी चीज़ बताएं। तो मतलब ये चीज़ें जितना छुपाओगे उतना आपको परेशानी देगी। तो आज का वीडियो बनाने का यही एक मोटिव था कि मतलब अपनी परेशानियां अपने घर वालों को या फिर अपने रिलेटिव को ज़रूर बताएं, ताकि समय पे उसका इलाज हो सके। तो दगड़ियों, आज का बस इतना ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इस मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, ना मेरे पास चार्जर है, कुछ ही नहीं है। क्या पता ये वीडियो अपलोड हो ना हो, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वीडियो मतलब ना मेरे पास चार्जर है, चार्जर बस 25% बचा हुआ है, और चार्जर भी नहीं है, तो किसी के पास वो वाला चार्जर है भी नहीं। तो जो भी होगा देखते हैं, अगर वीडियो अपलोड होता है तो आप कल सुबह देखोगे। बाकी क्या होता है, आज तारीख है 23 मार्च चल रहा है, अगर वीडियो फ़ोन में बैटरी बची तो 24 मार्च को आप इस वीडियो को देखोगे, अगर नहीं बचा तो क्या कर सकता हूँ। डालूंगा तो सही, डालना तो है इस वीडियो को, क्योंकि जानकारी मिलनी ज़रूरी है लोगों को, किसी भी चीज़ की ना छिपाएं। और खास करके हमारे पहाड़ में ज़्यादातर काम वही से होता है, दराती हो गया, कुदाल हो गया, फावड़ा हो गया, इन सारी चीज़ों से ही काम वगैरह किया जाता है हमारे पहाड़ों में। तो काफ़ी बार हमारी महिलाओं के, बहनों के हाथ पाँव कट जाते हैं, पर टिटनेस का यूज़ नहीं करते हैं। तो टिटनेस लगवाएँ, इंजेक्शन, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाएं। तो बाकी क्या कहें, आज का वीडियो बस एक महत्वपूर्ण सूचना रखना था तो मैंने बना लिया है। तो दगड़ियों, अटक झटक पहाड़ यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बैटरी बची तो कल वीडियो बनाएंगे, नहीं बची तो क्या कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें। अभी मैं प्रेजेंट टाइम आप सोच रूंगे, मैं कहूँ मैं अभी बरेली में हूँ, और हम अपने पेशेंट को, जैसा कि आपने ब्लॉग में बताया था पिछले ब्लॉग में, तो वहाँ से रेफरल करके हम श्री राम मूर्ति हॉस्पिटल में लेके आए हैं। तो जैसी कंडीशन होगी मैं हम आपको बताते रहेंगे। तो दगड़ियों, तब तक के लिए धन्यवाद भाई, ध्यान रखें अपना।